नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोन पे ऐप से कैसे किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब कि यदि आपके पास फोन पे ऐप्स है तो कैसे अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फोन पे से पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब किसी व्यक्ति के अकाउंट में सेंड करने के लिए, सबसे पहले अपने मोबाइल में अपने फोन पे ऐप्स को ओपन कीजिएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने फ़ोन पे ऐप्स को अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किए हैं तो आप किसी और के अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकते हैं। मतलब कि आपका बैंक ही लिंक नहीं होगा तो आप कैसे पैसे भेज पाइएगा, आपका वो पैसा किस अकाउंट से कटेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि फ़ोन पे ऐप्स को अपने बैंक अकाउंट से कैसे लिंक करें, तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे फ़ोन पे ऐप्स को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं। यदि आपका बैंक अकाउंट फ़ोन पे ऐप से लिंक है और आप किसी और व्यक्ति को पैसे सेंड करना चाहते हैं, तो पैसे सेंड करने के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर टू अकाउंट पर। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा टू अकाउंट। यहाँ पे हम एक व्यक्ति को पहले से कुछ पैसे भेजा हूँ तो उसका डिटेल यहाँ पे आ रहा है। आप यदि पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आपके केस में ये नहीं आएगा, मैं पहले से भेजा हूँ इसलिए उसका डिटेल यहाँ पे दिखला रहा है। अब उसके बाद आगे आपको क्लिक करना होता है ऐड बैंक अकाउंट। तो ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर पैसे भेजने के लिए यहाँ पर सबसे ऊपर में उस व्यक्ति का IFSC कोड डालना होगा और उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डालना होगा, फिर यहाँ पे वही बैंक अकाउंट डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम डालना होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना होता है। तो ये फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपको फ़ोन नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर आप नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर निक नेम है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना सारी डिटेल पहले फिलअप करता हूँ और इसके बाद आगे आपको दिखलाता हूँ कि किस तरह से पैसे सेंड करना है। तो गाइज, यहाँ पे सबसे ऊपर मैं अपना IFSC कोड डाला हूँ और उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डाला हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे वही बैंक अकाउंट नंबर डाला हूँ और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाला हूँ। इतना कर लेने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर कन्फर्म पर। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा कन्फर्म। अब कंफर्म पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होता है और उसके बाद यहाँ पे आप जिस व्यक्ति को पैसे सेंड करते हैं उसके बारे में आप कुछ मैसेज लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखे या फिर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना अमाउंट इंटर करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप 10 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच में की राशि सेंड कर सकते हैं, किसी पर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे दिखलाने के लिए मैं यहाँ पे 20 रुपये सेंड करता हूँ। 20 रुपये डाल देने के बाद आप यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में कुछ मैसेज टाइप कर सकते हैं या फिर इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे खाली छोड़ देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का डिटेल दिखलाई देता है, आपके बैंक अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट और उसके बाद आपके बैंक का नेम। इसी बैंक से आपके पैसे कटेंगे, मेरा इसी बैंक से 20 रुपये डिडक्ट होंगे। ये सब फिलअप करने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे सेंड पे। अब आपको यहाँ पे अपना UPI पिन डालना होता है। UPI पिन आप जब बैंक अकाउंट लिंक किए होंगे तो उस टाइम UPI पिन क्रिएट किए होंगे, वो UPI पिन यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे हम अपना UPI पिन इंटर करता हूँ। UPI पिन इंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पे इस टिक मार्क पे क्लिक करना होता है। दोस्तों, यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक कर देने के बाद आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ मिलेगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ मिलेगा ट्रांजेक्शन फेल। ट्रांजेक्शन फेल तब होता है जब आपकी बैंक सर्वर में कोई गड़बड़ी हो या फिर आपके बैंक अकाउंट में कुछ मिसमैच हो, वो आपके पैसे अकाउंट से जो कटता है फिर आपके अकाउंट में वापस 2 से 3 दिनों के बीच में आ जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे अपने बैंक अकाउंट से किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोन पे ऐप्स के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपकी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।